नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो ये मैं पेपर बताने जा रहा हूँ 2023 का, यानी कि इस बार का ही पेपर है और ये जूलॉजी का पेपर सेकंड है। जितने भी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी इस पेपर का नेम है और जो बीएससी थर्ड ईयर यानी बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, उन सभी के लिए ये जूलॉजी पार्ट सेकेंड का पेपर है। बाकी पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड, उनका पेपर भी आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये 2023 के पेपर में आप सभी को अवेलेबल करा रहा हूँ। 22 के, 20 के, 19 के सभी पेपर में लगातार अपलोड करूँगा, जिससे कि आप सभी छात्र इसको अगर 2023 में भी देखते हो, 2024 में या आगे जाकर 25 में देखते हो, तो आपको ये पेपर यहीं पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। फर्स्ट है जैव द्रव्यमान का पिरामिड, सेकंड है जैव भू रासायनिक चक्कर, थर्ड है संक्रमिका, फोर्थ है कोर प्रभाव। ठीक है, फोर्थ है कोर प्रभाव, फिफ्थ है समुदाय, सिक्स्थ है मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, सातवें नंबर का क्वेश्चन है पुरोगामी जातियां, आठवें नंबर का क्वेश्चन है ग्रीष्म निष्क्रियता, नवे नंबर का क्वेश्चन है बीओडी मापति क्या है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। दसवें नंबर का क्वेश्चन है हरित ग्रह प्रभाव क्या है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ में पार्ट सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको उसकी बात करते हैं कि पर्यावरणीय कारक क्या है, किन्हीं चार कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा जीवन पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी है अनुक्रमण क्या होता है, सभी प्रकार के अनुक्रमण की आपको व्याख्या करनी है। 6+4 10 नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, इनके आंसर आप अपनी नोटबुक से देख लेना या आपको गूगल से भी इनके आंसर मिल जाएंगे अगर नोटबुक में नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र आपको बताना है। बी ऑप्शन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक आपको बताना है। वेलासंगमी प्राणी वर्ग आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी का पांचवा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए तथा उनका वर्णन आपको करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि वन्य जीव प्रबंधन पर आपको एक निबंध लिखना है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं दो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है, मतलब किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। फर्स्ट है जैव आवर्धन, सेकंड है विकिरण प्रदूषण, सी है अल नीनो, ये थर्ड है। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी का 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि सरिस्का बाघ अभ्यारण्य पर आपको एक निबंध लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि नगरीय समुदाय की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कि 9वें नंबर का। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। इसका ए ऑप्शन है अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र और सेकंड है वन्य जीव अधिनियम, सेकंड है वाइल्ड लाइफ एक्ट यानी वन्य जीव अधिनियम। सी ऑप्शन है ओरिएंटल क्षेत्र का प्राणी जात, यह आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे या पेपर मिलेगा, जूलॉजी का फर्स्ट का पेपर, जूलॉजी थर्ड का पेपर, वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।